हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है तुहाडा साडे यूट्यूब चैनल पैरी स्टडी ऑनलाइन ते। 11.2 एक्सरसाइज क्लास 7th क्वेश्चन नंबर डिस्कस करन जा रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखो की कह रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 10 है अपने को, ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर। ऑलरेडी अपन को कॉन्ग्रुएंट दिता हुआ, तो आप दो ट्रायंगल बनावांगे। पहला दो आप डायग्राम बनाए, दैट इज ट्रायंगल एबीसी, ए बी सी। एक अपने को ट्रायंगल है पी क्यू आर, दैट इज पी क्यू एंड आर। अपन दोवें की गिवन है, कॉन्गुरेंट गिवन है। गिवन है अपन ट्रायंगल ए बी सी, कॉन्गुरेंट की है ट्रायंगल पी क्यू आर। हुण आप वैल्यू लिखांगे सारी। ये अपने को 40 डिग्री, इधर किन्ना अपने को 2x+8, उस तो बाद एंगल ए किन्ना 105, दैट एंगल इज इक्वल टू 2y-5 डिग्री। आप फाइंड करना एक्स ते वाई दी वैल्यू। देखो ट्रायंगल ऑलरेडी कॉन्गुरेंट है, जो ट्रायंगल कॉन्गुरेंट है तो इन्हें कोरसपोंडिंग पार्ट्स की होंगे, इक्वल होंगे। आप एक्स दी ते वाई दी वैल्यू पता करनी है। ये अपने को 2x+8, ये अपने को 2y-5। तो सब तो पहला देखो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्गुरेंट की है ट्रायंगल पी क्यू आर। तो जो एंगल ए है दैट इज इक्वल टू एंगल पी, जो एंगल ए है कहदे इक्वल एंगल पी दे। सिमिलरली जो एंगल बी है दैट इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। पहला पहले दे इक्वल, दूजा दूजे दे इक्वल, तीजा तीजे दे इक्वल। रीजन की आ गया सी पी सी टी, सी पी सी टी। ओके, तो हम आप इतों वैल्यू फाइंड करते हैं। एंगल ए के बराबर है एंगल पी दे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। हम ए की वैल्यू कितनी है 105, तो पी की वैल्यू कितनी है 2y-5। 2y-5, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी है, ए की वैल्यू 105 है, तो पी की वैल्यू कितनी है 2y-5। जो 5 है ये अपने को की है लैफ्ट हैंड साइड से आके की हो गया पॉजिटिव। सो 105+5 इज इक्वल टू 2y, सो दैट इज 110 इज इक्वल टू 2y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 110/2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे को 55 डिग्री। किमें आई, एंगल ए नू पी दे इक्वल रखा क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी है। ए की वैल्यू 105 है, पी की वैल्यू कितनी है 2y-5। जो -5 है राइट साइड से जाके की हो गया पॉजिटिव हो गया। 105 ते 5 किन्ने हो गए 110, तो वाई दे नाल जो 2 है डिवाइड करके वाई की वैल्यू कितनी आ गई 55 डिग्री। सिमिलरली एंगल सी कहते इक्वल है एंगल आर, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। सी की वैल्यू कितनी है 40, आर की वैल्यू कितनी है 2x+8। देखो सी की वैल्यू कितनी है 40, तो आर की वैल्यू कितनी है 2x+8। जो एक्स 8 है ये अपने को लैफ्ट साइड से आगे की हो गया माइनस। सो 40-8 इज इक्वल टू की आ गया 2x, तो कि आ गया 32 इज इक्वल टू 2x, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 32/2। सो एक्स कि आ गया अपने को 16 डिग्री। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 16, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई मेरे को 55। ये दो वैल्यू फाइंड करनिया सी, मैनू गिवन की सी दो ट्रायंगल कॉन्गुरेंट। जदों दो ट्रायंगल कॉन्गुरेंट है तो कोरसपोंडिंग पार्ट्स की होंगे इक्वल, दैट मीनस ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। चलो बी का तो क्यू का अपन कोई लेना देना नहीं है, आप सिर्फ ए तो पी सी तो आर नाल मतलब सी ये दोवें की आप इक्वल रख के एक्स तो वाई की वैल्यू फाइंड कर ली। नैक्सट वीडियो के इसे एक्सरसाइज का कोई होर क्वेश्चन सॉल्व करांगे।